बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट बीते दिन जारी किया गया है और हमारे साथ बात करने के लिए खुद तुषार कुमार हैं आर्ट स्टॉपर हैं पहले तो बधाई थैंक यू ये बताएं कि कितनी मेहनत हुई क्योंकि आर्ट स्टॉपर बने हैं आप बिहार में इससे पहले भी कई लोग बन चुके हैं और आप भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं कितना खुशी है बहुत खुशी हुई ये जानकर और मेहनत की बात है तो मैं लाइब्रेरी जाया करता था और लाइब्रेरी आठ घंटे लाइब्रेरी में कुछ चार पाँच घंटे पढ़ाई किया करता था और बुक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था जिसको दो तीन बार कंप्लीट करने की कोशिश किया और यूट्यूब का भी सहारा लिया जिससे मेरा ये स्कोर आया है अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि किताबों का सहारा लेते थे किन किन किताबों को आमतौर पर आप पढ़ते थे मैं तो एन सी ही ज़्यादा फोकस किया करता था और साथ साथ बिहार बोर्ड के जो हिंदी इंग्लिश के बुक हैं उन पर ही मेरा ज़्यादा फोकस रहता था और यूट्यूब्स यूट्यूब से जो बुक का डिस्क्रिप्शन होता है वो पढ़ा करता था अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि यूट्यूब से भी आप पढ़ाई करते थे तो यूट्यूब को लेकर कितनी ये उत्सुकता थी क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो यूट्यूब से लोग पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं परेशानियाँ आती हैं हाँ परेशानियाँ तो आती थी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे जैसे शॉर्ट्स वीडियो है तो कभी कभी उसमें आ जाता था रील्स में हो जाता था लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता था अच्छा मैनेज कर लेते थे और निकल गया हाँ मैनेज करना पड़ता था और कर लेते थे अच्छा तो शार ये बताइए कि आपने टॉप किया इससे पहले वेरिफिकेशन होता है क्योंकि एक बार बिहार में ऐसा भी हुआ कि टॉपर घोटाला हुआ था तो अब वेरिफिकेशन होते हैं तो वेरिफिकेशन में क्या कुछ पूछा गया था वेरिफिकेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ लिखवाया फिर राइटिंग मैच करने के लिए और चार पाँच अपने सब्जेक्ट से सवाल पूछे और फिर थैंक यू बोल के जाने दिया बस अच्छा तो उस समय जब आपको बुलाया गया था तो आपको ये उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे या फिर इस तरीके की कोई बातें जो है वो वहाँ पर बताई गई हो बी बी के द्वारा नहीं उनके द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया उन्होंने बस बोला कि रिज़ल्ट अच्छा है और मुझे ये विश्वास था कि रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा पर यह नहीं विश्वास था कि मैं टॉप करूँगा तो ये जानकर बहुत खुशी हुई अच्छा आर्ट्स में टॉप किया ऐसे कई बच्चे जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉप किए हैं आर्ट्स में आपने टॉप किया क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आगे किस तरफ आपका रुझान होगा किधर जाएंगे आप मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूं और एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं। और सिविल सर्वेंट बनने से क्या होगा आगे मतलब आगे की क्या कुछ सोचा होगा कि सिविल सर्वेंट बन के क्या करना है क्या आई बनना है आई बनना है आई बनना है क्या कुछ सोचा है हाँ मैं आई बनना चाहता हूँ और सोसाइटी और में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे मैं बदलना चाहता हूँ जैसे बहुत सारे घोटाले होते हैं करप्शन होते हैं ये सब मामलों को बंद करना चाहता हूँ और भी अलग अलग प्रथाएं हैं जैसे दहेज प्रथा ये सब के तरफ काम करना चाहता हूँ तो क्या ये पहले आपको पता चला या फिर आपके दोस्तों ने बताया माता पिता ने बताया कैसे पता चला आपको ये पहले तो मेरा वेबसाइट खोल नहीं रहा था तो मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि रिजल्ट आया पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने खुद रिजल्ट देखा तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ आया है कि आप टॉप कर गए कितने परसेंटेज जो थे आपको मिले इस बार 96.4 96 आपको मिल गए हैं खुशी तो होगी आपके पिता भी हैं उनसे भी बात करेंगे ये बताएं कि बेटे छियानवे प्रतिशत जो है वो मिला है टॉप कर गए हैं कैसा बहुत खुशी हमको है, है। उम्मीद थी आमतौर पर पिता को बेटे से उम्मीद होती है कि वो आगे बढ़ेंगे मेहनत करता था पढ़ाई में तब तो ये तो था लेकिन टॉप के लिए उतना नहीं था फर्स्ट तो मैट्रिक में भी फर्स्ट इसका बढ़िया आया है मैट्रिक में भी अच्छा आया था इंटरमीडिएट में भी इंटरमीडिएट में भी टॉप कर गया अच्छा ये बताइए कि आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं लेकिन तुषार के बारे में क्या था ये पढ़ाई लिखाई में ठीक था पहले से कोई दिक्कत नहीं है सर कॉलेज भी रेगुलर जाता था कॉलेज कम मतलब लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छा लाइब्रेरी ज्यादा जाता था पढ़ाई के तरफ रुझान जो था इसका ज्यादा था सर तो पिता भी कह रहे हैं कि पढ़ाई के तरफ रुझान ज़्यादा था लाइब्रेरी में जाके कौन सी किताबें थी जो पढ़ते थे जो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी सब्जेक्ट थी जिसमें लगता था कि अगर इसको कम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से परेशानी हो? हिंदी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आता था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो इंग्लिश इंग्लिश की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस रहता था सारा सब्जेक्ट का लिखावट मेरा इंग्लिश में ही होना है तो एक हिंदी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करना पड़ता था उसे लिखने के लिए और उस, उसमें मेरी राइटिंग में कुछ खास हसी नहीं है तो उस, उसका थोड़ा प्रॉब्लम था तो राइटिंग से डर था और हिंदी में विज्ञान जो कहते हैं कि हिंदी में कई शब्द जो होते हैं उसको लिखने में परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं वो परेशानियाँ भी थी हाँ बिल्कुल ऐसे इंग्लिश के मुकाबले हिंदी लिखना मुश्किल थोड़ा मुश्किल है यह तो सभी लोग जानते हैं तो उसमें स्पेलिंग एरर ये सबके ज़्यादा चांसेस रहता है तो उसका भी थोड़ा डर था आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है कोई और बच्चे जो हैं वो लाइन में हैं उनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए क्या कहेंगे क्योंकि आप टॉप किए हैं आपको पता है कि किस तरीके सब जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आपने सॉल्व किया क्या कहेंगे उनको आर्ट्स वाले बच्चे को तो खासकर हम यही कहना चाहेंगे कि पुराने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखें उन्हें एनालाइज़ करें और फिर बुक्स पर ज़्यादा फोकस करें एनसीआर बुक्स जरूर पढ़ें और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और बिना कोई कोचिंग के भी आप बच्चा स्कोर कर सकते हैं अच्छा बिना कोचिंग आपने कोई भी कोचिंग नहीं की इतने दिनों में नहीं कोई पेड कोचिंग नहीं की ऑनलाइन कोचिंग जो यूट्यूब पर होता है फ्री क्लासेस वही किए सिर्फ अच्छा एलेवंथ को लेकर भी बातें आती है कि बच्चे इलेवंथ में नहीं पढ़ते कि ट्वेल्थ में एग्ज़ाम होता है इलेवंथ तो ऐसे ही पास कर जाएंगे ट्वेल्थ में आगे पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या था? नहीं नहींवेंथ में भी पढ़ना चाहिए मैंने भी थोड़ी एलेवंथ में कम पढ़ाई की थी लेकिन ट्वेल्थ में ज़्यादा की थी लेकिन इलेवंथ में भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में बोर्ड एग्जाम होता है तो इसका मतलब ये नहीं एलेव्थ को मतलब इलेवेंथ को भी इंपॉर्टेंट समझना चाहिए बच्चों को एक डर लग जाता है कि टेंथ और ट्वेल्थ का बाद जब सामने आता है कि बोर्ड एग्जाम होता है डर हो जाता है कि बोर्ड में फेल हो जाएंगे क्या ये डर आपको भी था कि बोर्ड में एक परेशानी होती एक है डर होता नहीं फेल होने का डर तो नहीं था यह विश्वास था कि मार्क्स अच्छा आ जाएगा पर टॉप आ जाएगा ये विश्वास नहीं था अच्छा टॉप होने से अब क्या खुशी की सरकार की तरफ से सहायता भी जो है वो दी जाएगी आपको लैपटॉप दिया जाएगा कुछ धनराशि जो है वो दी जाएगी उसका क्या करेंगे लैपटॉप को तो पढ़ाई में यूज़ करना और दूस धन का भी मैं आगे की पढ़ाई में यूज़ करना चाहूँगा आगे कोचिंग क्लासेस अगर यूपीएससी के मैं लेता हूँ तो उन्हें मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा तो आगे की पढ़ाई पटना से करनी है या फिर बाहर जाना है मैंने सी का फॉर्म तो भरा है और अगर उसमें पास होते हैं तो बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं नहीं तो पटना में ही पढ़ेंगे पटना से ही पढ़ के सिविल सर्विस निकालना हाँ एक आखिरी सवाल है आपने टॉप किया है आने वाले बच्चों को भी आपने बताया ये बताएं कि माता पिता कितने खुश हैं क्योंकि माता पिता सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अगर बच्चे टॉप करते हैं माता पिता को जब रिजल्ट के बारे में पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई वो भी बहुत खुश हुए और तरफ से कोई गिफ्ट मिला है नहीं अभी नहीं अभी लेकिन मिलेगा मिठाई अच्छा माता पिता हाँ। मिठाई ये बताएं कि बेटा जो है वो टॉप कर गया है तो इस बार क्या गिफ्ट है? गिफ्ट दिया जाएगा सिविल सर्विस की तरफ रुझान है कह रहे हैं कि सरकारी अफसर बनना है तो क्या लगता है कि उसमें भी आगे अवल करेंगे साथ देंगे आप मेहनत करे का नहीं आगे बढ़ेगा मेहनत करेंगे एकदम साथ है हम पढ़ाई लिखाई में कोई अथी नहीं करते हैं हम लोग किसी तरह इनके आगे भी चले गए और अच्छे से हाँ सर किसी तरह का दिक्कत नहीं करता तो चलिए बहुत शुक्रिया ये थे हमारे साथ तुषार साफ़ कहा है और बच्चों को भी बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए और जिस तरीके की स्थितियां बिहार में होती हैं आमतौर पर ये होता है कि बिहार में टॉपर्स घोटाले होते हैं लेकिन इस बार तुषार ने टॉप किया है और छियानवे मार्क्स जो हैं वो लाए हैं वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज नेशन पटना